खरगोन पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। इस बार पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बरामद किया। हम आपको बता दें कि बलकवाड़ा थाना प्रभारी वरुण तिवारी को सूचना मिली थी कि बोगंदी के पास बोलेरो पिकअप वाहन में विस्फोटक पदार्थ भरा है। इस पर तुरंत कार्यवाही करते हुए मौके पर घेराबंदी कर दो लोगों को धर दबोचा, जिसे सघन पूछताछ में शोभाराम और देवी सिंह निवासी राजस्थान का होना बताया। साथ ही तीसरे व्यक्ति के रूप में ग्राम दगड़खेड़ी के भारत नाम के व्यक्ति को पकड़ा गया, जो इन लोगों से माल खरीदता था। इनमें किसी के भी पास से वैध दस्तावेज नहीं मिले, जिससे पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लेकर विस्फोटक सामग्री अधिनियम की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध करके कार्यवाही को अंजाम दिया। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। मार्गदर्शन निर्देशन में थाना प्रभारी बलकवाड़ा वरुण तिवारी द्वारा दिनांक 25/5/2021 को मुगिर की सूचना पर मिर्जापुर रोड पर अवैध रूप से विस्फोटक बेचने जाते हुए आरोपी पिता रडमल सिंह उद्दावत निवासी राजस्थान व शोभालाल पिता बद्रीलाल जाट निवासी राजस्थान को विस्फोटक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया है। विस्फोटक पदार्थ में 10 कार्टून जिलेटिन, जिसमें 2000 नग थे, 2 बिंडल वायर के, 6 पैकेट ईडी वायर के जब्त किए गए हैं। मैं बुलेरो पिकअप के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर थाना पर विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। उनकी निशानदेही पे आरोपी भारत पिता छोटिया जमरे निवासी दगड़खेड़ को गिरफ्तार किया गया है। तीनों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है। प्रकरण तीनों आरोपियों के विरुद्ध थाना पर विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।